स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 50 प्लस क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। और ये जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ATS ब्लॉक 1 यानी लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 करके यहाँ पे नियमित पैटर्न पे आधारित है, जो कि ये DGT के क्वेश्चन बैंक में है। ये सभी क्वेश्चन या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बैंक से दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को लिया हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ नियमित क्वेश्चन बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है। और यही सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, जो मैं एक्सेल फाइल में पिछले पार्ट 1 में जो वीडियो लेकर आया था वो दिखाया था, जो पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर, वहाँ क्वेश्चन नंबर दिया गया था, ऑप्शन का ऑप्शन कोड वगैरह 4 ऑप्शन में दिया गया था कोड। तो फ्रेंड्स, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस PDF फॉर्मेट में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इससे पहले आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और यदि कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपके क्वेरी या सवाल का उत्तर दिया जाता है। और स्टडी मटेरियल रिलेटेड जो भी ये सारे PDF जो है फ्रेंड्स, वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन कर ले। वहाँ से सारे स्टडी मटेरियल, पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी बुक का PDF होता है, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, यानी ये जो साइन दिया गया है फ्रेंड्स पहला का क्वेश्चन का, ये प्लस का साइन, वो किस तरह का साइन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इन्फॉर्मेशन साइन है। दूसरा है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द समथिंग इन एक्सटिंक्शन ऑफ फायर, तो यहाँ पर दूसरा का जो आंसर हो जाएगा आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन, तो यहाँ पे 5S कॉन्सेप्ट का स्टैंडर्ड क्या है? तो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी स्टेप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी, ये जो रोड सेफ्टी का जो साइन फ्रेंड वो किस तरह का साइन है? तो यहाँ पे 4 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मैंडेटरी साइन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी, यानी कि किसी बोर्ड पे आप वार्निंग साइन देखे होंगे फ्रेंड्स, इस टाइप से कुछ रहता है। तो ये जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो किस कलर का होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, येलो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ PPE, यानी कि PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ये किस टाइप का है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हैंड स्क्रीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैंडल दिया गया है और इसे पकड़ के आप अपने फेस को ढकते हैं। और ये वेल्डिंग टाइम यूज किया जाता है ये सेफ्टी कैटेगरी का, ये जो है PPE। नेक्स्ट है, CPR स्टैंड फॉर, तो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 8 का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू सीएसएन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, ये जो सेफ्टी साइन है फ्रेंड्स वो इसका क्या नाम है? 9th का जो हो जाएगा डी ऑप्शन, इन्फॉर्मेशन साइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, तो इस कॉशनरी साइन क्या हो जाएगा? तो पेडरेशन क्रॉसिंग। नेक्स्ट, जो कि ये फीटर ट्रेड में भी फ्रेंड्स ये साइन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विच डिफाइन एन एक्सपेक्टेड अकरनेस दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, यानी कि जल्दबाजी में जो कि अनबिलीवेबल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, वो एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 11 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइम रीजन फॉर सेवर इलेक्ट्रिक शॉक, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेवल 2 में। तो लेवल 2 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, यानी इनमें से कौन है जो फिजिकल हजार्ड है, जो फिजिकल आप अपने आप को नुकसान करते हैं? तो पहला का जो हो जाएगा बी, यहाँ वाइब्रेशन, तो फिजिकल हजार्ड क्या हो जाएगा? तो पहला का वाइब्रेशन हो जाएगा। दूसरा, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंगुइशर, तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ए, पुल एम स्क्वीज स्वीप।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पीपीई इज टू बी यूज फॉर द डस्ट पार्टिकल हजार, यानी डस्ट पार्टिकल खतरे से बचने के लिए किस तरह का पीपीई किट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ थर्ड का हो जाएगा बी, नोज मास्क। नेक्स्ट है, द फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंगचर इज मोस्ट सूटेबल फॉर, यहाँ फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, द फायर ऑन फ्लेमेबल लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंगचर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में फायर एक्सटिंगचर का किस टाइप का यूज होता है, तो यहाँ फाइव का हो जाएगा ए, हेलोन टाइप। नेक्स्ट है, विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा सी, इंसिनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई इज यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स से प्रोटेक्शन के लिए किस तरह का पीपीई पहनना पड़ता है, तो सेवन्थ का डी हो जाएगा, नोज मास्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स, किस तरह का जो लिफ्ट गाड़ी है वो भारी सामान को ले जाने के लिए यूज होता है, मूव करने के लिए, तो आठ का जो हो जाएगा बी, क्रेन एंड स्लिंग्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्राइविंग इन एक्सटिंगशिंग ऑफ फायर, तो यहाँ पे नाइन्थ का जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्पोजल मेथड वाज वेस्ट सेव लोट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दस नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू विक्टिम दैट इंजर्स ऑन द चेस्ट एंड बेली, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्यारह नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी कि इंजर व्यक्ति को जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड यानी कि श्वसन संबंधी इंजरी जो आती है चेस्ट और बेली में, वो किस तरह का उसको मतलब आर्टिफिशियल मेथड दिया जाता है, तो यहाँ नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। नेक्स्ट है, ट्वेल्व का, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ हजार्ड इज काउज फॉर इन्फेक्शन, तो यहाँ बारह का जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड। थर्टीन में है, विच इज़ द काउज ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का क्या कारण है, तो थर्टीन का हो जाएगा बी ऑप्शन, डैमेज इन इंसुलेशन ऑफ केबल। नेक्स्ट है, हाउ विल यू डायग्नोस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप किस तरह से उपचार करेंगे यदि कोई विक्टिम कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहा है, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, एपियर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, यानी कि लिप्स पे ब्लू कलर का यहाँ पे साइन दिखेगा, यानी ब्लू कलर का हो जाता है, तो उस समय कार्डियक हेल्प दिया जाता है। नेक्स्ट है 15 का, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, यहाँ 15 का डी हो जाएगा, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, यानी घायल एरिया पे प्रेशर देकर। नेक्स्ट है, विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हीट हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग, तो 16 का हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन, 30 मिनट जो होता है फ्रेंड्स वो गोल्डन टाइम होता है, मीन्स यहाँ के इंजर होने के बाद के 30 मिनट तक आदमी को यहाँ पे हेल्प अवश्य देना पड़ता है, तो वो जो समय रहता है फ्रेंड्स बहुत ही क्रिटिकल रहता है, इसलिए यहाँ पे गोल्डन टाइम दिया गया आधे घंटे का। नेक्स्ट है, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज, 17 का जो आंसर है डी, लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पोंड टू कॉल, यानी कि कोमा में जाने का क्या कारण होता है, सेंसलेस हो जाता है, यानी उसके द्वारा कोई भी सेंस नहीं होता है और ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया जाता है, यानी मूर्छित हो जाता है, उसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे कोमा बोला जाता है। विच पीपी इज यूज टू बी फॉर आई प्रोटेक्शन, तो आई प्रोटेक्शन के लिए किस तरह का पीपी किट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा, गोगल्स, यानी आग की सेफ्टी के लिए गोगल्स का चश्मे का प्रयोग किया जाता है, वही बोला जा रहा है आई प्रोटेक्शन। विच प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, 19 का जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कंपोस्टिंग। 20 नंबर है, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी, तो यहाँ 20 नंबर का हो जाएगा सी,
टू प्रोवाइड ए सेफ वर्क इन्वायरमेंट। 21 का है विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन द टाइटल PPE 7 रिप्रेजेंट, यानी PPE 7 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 21 का जो ए आंसर हो जाएगा ईयर प्रोटेक्शन, यानी PPE 7 ईयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि थर्ड लेवल है। विच क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर द क्वालिटी ऑफ PPEs। तो यहाँ लेवल 3 का पहला जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इट कैन विथ अस्टैंड द हजार्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन टू कंट्रोल द सेवर ब्लीडिंग। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा स्क्वीज टूगेदर द साइड ऑफ द बाउंड। नेक्स्ट है व्हाट इमीजिएट ट्रीटमेंट टू बी गिवेन फॉर द पेशेंट हैविंग फेंटनेस ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा गिव हिम सम हॉट ईटेबल थिंग्स टू ईट, यानी कि यहाँ पे कुछ गर्म पदार्थ यहाँ खाने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है विच कंडीशन CPR ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट, यानी कि किस कंडीशन में CPR ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, यानी जरूरी होता है उस टाइम। तो यहाँ पे 4 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव ए पल्स, अधिक पेशेंट का नर्व्स नहीं चल रहा हो उस पेशेंट को CPR दिया जाता है। नेक्स्ट है इफ़ द इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम इज अनकॉन्शियस बट इज ब्रीथिंग व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन। यहाँ 5 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी लूज द क्लोथिंग अबाउट द नेक चेस्ट एंड वेस्ट। 6 में है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विथ द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा ब्रेक कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। 7th नंबर क्वेश्चन है हाउ विल यू रेस्क्यू द इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम इफ यू आर नॉट एबल टू स्विच ऑफ द पावर। यदि आप विक्टिम को हेल्प करने के लिए यदि आप स्विच को ऑफ नहीं कर पाए तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आप एबल नहीं है स्विच ऑफ करने के लिए। तो 7th का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पुल आउट बाय यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि विद्युत रहित यानी विद्युत रोधी जैसे कि ड्राई वुड या प्लास्टिक मटेरियल जिससे कि आप उसमें करंट पास ना हो उसका यूज कर सकते हैं उसे खींचने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन फॉर ए क्रिटिकल स्पाइनल इंजरी विक्टिम। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा डू नॉट मूव द विक्टिम हेड नेक एंड बैक, यानी कि जो विक्टिम जो है स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड स्पाइनल इंजरी है उसे क्या हेल्प करना चाहिए डू नॉट मूव द विक्टिम्स हेड नेक एंड बैक। तो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन मैं अभी कराया उसका ये आंसर है। और यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट में अब बेसिक इलेक्ट्रिकल AC सर्किट चलेगा यहाँ पे आगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी AC सर्किट का जो क्वेश्चन लेवल 1 है वो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कॉपर, यानी कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला का डी हो जाएगा 29। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिडेंस R1 R2 एंड R3 को यहाँ कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, यानी पैरेलल सर्किट में यदि रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो किस फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरा का जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर, तो इस रजिस्टर का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो थर्ड का हो जाएगा आंसर बी यानी वायर बाउंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, तो यहाँ पे 4 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, यानी कि ओम के नियम से रिलेटेड इनमें से कौन है। तो करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस होता है जबकि पावर नहीं होता, इसमें पावर है और इसमें करंट डेंसिटी भी यहाँ पे ओम्स लॉ में नहीं आता है। 5th में है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिस्टिविटी का मेजरिंग यूनिट क्या है। तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा सी ऑप्शन ओम मीटर, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा ओम मीटर।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, तो 6 का ए हो जाएगा, करेंट इंटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडेंस कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ 7th नंबर का हो जाएगा महो, MHO महो हो जाएगा। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो 8 का सी हो जाएगा, ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट, यानी डीसी सर्किट में पावर को कैलकुलेट करने के लिए किस फार्मूला का यूज किया जाता है, तो यहाँ बी हो जाएगा, करेंट इनटू वोल्टेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वो भी कॉपर कंडक्टर का, तो क्या हो जाएगा, 10th का सी हो जाएगा, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड थ्री फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज वी एल एंड लाइन करेंट इज आई एल, तो 11th का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पी इक्वल टू अंडर रूट थ्री वी एल आई एल साइन थीटा। 12th में व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट, तो यहाँ 12th का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, पी आर इक्वल टू वी आई साइन थीटा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन फेज एसी सर्किट, यानी कि फेज डिस्प्लेसमेंट एसी सर्किट में क्या होता है, कितना डिग्री होता है, तो 13 का यहाँ बी हो जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पेडेंस ऑफ द आरएलसी सीरीज सर्किट इफ द कंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहाँ 14 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल ब्रैकेट में स्क्वायर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द थ्री फेज एक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करेंट इज आई एल एंड फेज एंगल इज क्यू, तो यहाँ 15 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पी इक्वल टू अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर सिनुसोइडल एसी, तो यहाँ पे 16 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1.11। नेक्स्ट है 17 का विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पेडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट, 17 का डी हो जाएगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। 18 का है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ कॉपर एटम, यहाँ कॉपर एटम के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, तो यहाँ 18 का हो जाएगा ए, एक होते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन कूलम। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी IMF को किस फॉर्मूला से ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पे 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो था मैंने इस वीडियो में इतना कवर किया, और अगले पार्ट में मैं लेवल 2 और यहाँ जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आगे भी वीडियो इसी तरह का लाता रहूं। तो इस वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं ये सभी सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।